हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बना रहे हैं हम अपने खाना के लिए गर्मियों वाली ड्रेस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े की पट्टी निकाली है 3.5 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी। ये मैंने खाना जी की पुरानी ड्रेस थी, उससे नाप के निकाल रही हूँ इसका कपड़ा। और सेम इसी साइज में हम एक लाइनिंग निकाल लेंगे, वो भी 3.5 इंच से 20 इंच। इसे साइड रख देंगे। फिर हम टॉप पार्ट निकालेंगे। उसके लिए मैंने 4.5 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसी साइज में हम 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे और फिर इन्हें मशीन पे आपस में सिल लेंगे। दोनों पट्टियों के साथ का लाइनिंग भी लेना है हमें। अब भी हम इन सबको सिल लेंगे मशीन पे। जो लाइनिंग और मैन फैब्रिक हमारा, इन सबको सिल लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, आप भी अपने कान्हा जी की पुरानी ड्रेस लेकर उसका घेरा नाप लें, टॉप पार्ट का नाप लें। तो इसी तरह से कोई भी साइज हो कान्हा जी की ड्रेस का, आप इजीली कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। मैंने इन सबको अटैच कर लिया है आपस में। इन सबको मतलब आपस में अटैच करने के बाद फिर हम इस तरह की एक गोल्डन पट्टी लेंगे और इसकी मतलब इसे पहले बीच से फोल्ड कर लेंगे और इसमें ये टॉप पार्ट है हमारा, उसे इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट से लगाते हुए मतलब देख लें कि आपका मेन फैब्रिक इसके अंदर पूरी तरह से कवर हो रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये निकल जाता है मेन फैब्रिक और ये साइड से मतलब सिल जाता है ऐसे ही। तो पहले देख लें अच्छे से। और कभी क्या था, हमारे पास ये गोल्डन पट्टी नहीं होती है, तो आप ये आगे यदि आपके पास ये गोल्डन कपड़ा पड़ा हुआ था, आप इस तरह की पट्टी ले लें 1.5 इंच की और उसे बीच से फोल्ड करके इस तरह से बैक साइड से सिल दें उसे। ये मैंने पहले इस तरह से सिल दिया इसे बैक साइड से, फिर उठा के इसे पलट के फ्रंट साइड सिल दूँगी। तो ये इससे जो हमने गोल्डन पट्टी लगाई थी उससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है, बहुत ही अच्छे से हो जाती है। फिनिशिंग मैंने दोनों साइड गोल्डन पट्टियाँ लगा ली हैं इसमें टॉप पार्ट में। अब क्या करेंगे, हम इसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और हाफ सेंटर तक ना जॉइंट कर लेंगे और इसे सेंटर तक ला के पलट के दोबारा ले जाएंगे वापस। तो ये तो पक्का हो जाएगा। ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया। जो हमारा जो घेरे की पट्टी थी उसमें हम ये साइड से भी इसमें भी पट्टी लगा लेंगे गोल्डन वाली, तो मैं इसमें भी लगा लेती हूँ। और ये सब फिनिश करने के बाद मैं इस पर लेस लगा लूँगी। मैंने इस पर ये लेस लगा ली है, ये वाली। ये लेस लगाने के बाद फिर हम इस पर प्लेट्स के निशान डाल लेंगे। तो हमने गोटे के पास से 1/2 इंच छोड़ दिया है, फिर उसके बाद 1 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 1 इंच, 1/4 इंच, ऐसे निशान लगा लिया हमने पूरी पट्टी पर। अब हम इन्हें सिल लेंगे। तो 1 इंच वाला पहला निशान उठाएंगे, 1/2 इंच के पास रखेंगे, फिर बाकी की सारी प्लेटें 1 इंच वाला निशान उठाएंगे और 1/4 इंच वाले पर रखते हुए सारी प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। हम पहले 1 इंच वाला उठाएंगे और फिर 1/4 इंच वाले निशान पर रखते हुए पूरी प्लेट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा घेरा रेडी हो गया है। अभी ये टॉप पार्ट हमने उठा लिया अपना और इसमें हम ऊपर से 1/4 इंच छोड़ देंगे और बाकी का नीचे का पूरा जो है इसे जॉइंट कर देंगे इससे को। तो ये हमारी स्लीव्स बन जाएंगी टॉप पार्ट में। इस पर भी हम डबल मशीन कर देंगे ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। तो दोनों तरफ से इसी तरह कर लेंगे, फिर इसे पलट के सीधा कर लेंगे
और सीधा करने के बाद दोनों तरफ से इसका नीचे का घेरा उठाएंगे और इसमें मतलब वैसे तो किनारी से किनारी जोड़ कर रखेंगे। यदि आपको लग रहा है कि टॉप पार्ट छोटा सा मतलब थोड़ा सा आपका कम पड़ रहा है घेरे से, तो आप गोटे के जस्ट पास से लगा सकते हैं, इसे नाप लेंगे हम इससे पहले और फिर इसे इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी ये वाली, और इसे सिलने के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगी ड्रेस। और मैंने इसके साथ की मैचिंग कैप भी बना ली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी है ड्रेस। तो ये मैंने पूरी इसी तरह से टॉप पार्ट को जॉइंट कर दिया है इसके अंदर और ये हमारा फाइनल लुक आ गया है। एंड कैप भी सिल ली है इनकी, तो देखिए कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।